टोक्यो ओलंपिक के सफर में भारत के खाते में पहले दिन से तमाम तरह की उपमाएं आई, लेकिन जिनसे भारतीय दल महरूम रहा था वो था स्वर्ण पदक यानी चैंपियन का खिताब। भारतीयों ने जाने कितनी बार लोगों के दिल जीते, लेकिन दिल जीतने से भी बढ़कर था ये स्वर्ण पदक, जिसके लिए टोक्यो में संघर्ष चल रहा था और इसका इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिरकार शनिवार की शाम वो पल आ ही गया जब भारतीय एथलीट अपना नाम सबसे ऊपर देख रहा था। ये नाम था नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो के फाइनल की दूसरी कोशिश में ही नीरज ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर अपने लिए शीर्ष स्थान पक्का कर लिया। उन्हें चेक गणराज्य के दो खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन नीरज के जोश के आगे कोई नहीं निकल सका। मैदान में मौजूद नीरज के हाव भाव शुरू से ही किसी चैंपियन जैसे ही थे। हो भी क्यों ना, वो क्वालिफिकेशन राउंड में सबसे ऊपर थे और वहाँ भी उन्होंने अपनी पहली कोशिश में सबसे दूर भाला फेंका था। नीरज की जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि वो एथलीट्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उनकी इस जीत ने हमें इसलिए भी झूमने को मजबूर कर दिया क्योंकि देश को 13 साल के इंतजार के बाद ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक मिला, जो देश के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। कल जब भारतीय दल ओलंपिक्स के विदाई समारोह में विदाई ले रहा होगा तो उसके दल में संघर्ष की कई कहानियां होगी। उन कहानियों के साथ दूर से चमकता नीरज का स्वर्ण पदक सबसे खास होगा।